टीकमगढ़ जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह लोधी तथा उपाध्यक्ष श्याम रतन तिवारी व जिला पंचायत के सदस्यगणों का शपथ ग्रहण समारोह तथा प्रथम सम्मेलन उत्सव भवन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया गया। इस दौरान इस खरगापुर विधायक राहुल सिंह ने अपनी पत्नी उमिता सिंह को पुष्पहार पहना कर उनका सम्मान किया, तो वहीं उमिता सिंह द्वारा भी राहुल सिंह को पुष्पहार पहनाया गया। सम्मान श्रृंखला के बाद नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नव निर्वाचित अध्यक्ष जिला पंचायत टीकमगढ़ उमिता राहुल सिंह ने कहा कि जिले में प्रचार के दौरान महिलाओं के लिए पानी की समस्या ज्यादा नजर आई, महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या पलायन की आ रही है, क्षेत्र में रोजगार के साधन न होने के कारण पलायन की बात सामने आती है, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा और क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त होता कि उन्हें पलायन ना करना पड़े, इस पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही विकास कार्यों की कमी नहीं आने दी जाएगी और जिले की जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा, क्षेत्र की जनता की परेशानी को दूर किया जाएगा और जनता ने जो विश्वास उन पर किया है उसे पूरी निष्ठा के साथ किया जाएगा। इस दौरान पाठ्य पुस्तक निगम की अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ, खरगापुर विधायक राहुल सिंह, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी, पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल यादव सहित सभी जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सीईओ सुदेश मालवी, जनपद सीईओ सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए टीकमगढ़ से खूब चंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट। भाभी, आज जो आपने जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता ली है और आगे क्या उद्देश्य? मेरा पहला जो है वो महिलाओं के प्रति है, क्योंकि मैं चुनाव में मैंने देखा है लोगों को पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, खास महिलाएं पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई जगह तो पानी, मतलब नल योजना आने के बाद भी वहाँ पानी नहीं आ रहा, तो मेरा जो सर्वप्रथम है वो है महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था करना। उसके बाद बच्चों के स्कूल की व्यवस्थाएँ जो हैं, क्योंकि प्रचार के दौरान हमने देखे स्कूलों की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, मुझे ये समझ में नहीं आता बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। स्कूलों की व्यवस्था हमें ठीक करना है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ठीक करना है, और तीसरा जो मुख्य हमारा है, प्रथम कह दीजिए, मनेर का जो चल रहा है इसमें जो धांधली चल रही है उनको रोकना और पलायन को रोकना। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, हम चाहते हैं कि लोगों को गाँव में ही रोज़गार मिले, तो हमारा सबसे प्रमुख जो है वो यही है कि लोगों को हम रोज़गार यहीं दें ताकि वो कहीं और नहीं जाए, अपने ही गाँव में रहें। आप कहीं नहीं बोल रहे।